गाइस, पिछले वीडियो में हम मम्मी को देखने गए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, हम लोग फ़ोटो नहीं देख पाए। कि लो, ये है मम्मी की फ़ोटो जिसको देखकर मैं फ्रीज हो गई थी। चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मिरर एंड टीवी, चेयर्स, टेबल एंड यहाँ पे सब कुछ रेडी रखा हुआ है, कॉफी, चाय, व्हाटएवर एंड बेड। और मोस्ट पार्ट मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि इन्होंने हीटर कर दिया हुआ है, सो इट्स कंफर्टेबल टू स्लीप। एंड माय सिस्टर हियर एंड या आफ्टर ऑल इज एवरीथिंग इज नाइस, आई लाइक इट। और बाथरूम अभी सब सही है, मिरर नाइस। सो फिर देखते हैं, हमने कपड़े देखे कितने सही है। बार ये कहना चाहती हूँ, स्विच ऑन लाइट थी। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा आखिरी दिन है और कल हम निकल जाएंगे अंबाला, ये हमारा चाहिए। चलो मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं थर्ड फ्लोर में हूँ, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेंगे। और दूसरी बात, कल सुबह मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी, माउंटेन्स वगैरह बहुत सुंदर है यहाँ पे व्यू का। एंड यहाँ ये ग्राउंड पहुँच गए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेबल टेनिस दिया हुआ है और सब कुछ नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे खाने का बहुत टेस्टी है, ट्रस्ट मी। तो बस इससे वीडियो करने के बाद आपको कल सुबह वीडियो दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। रात को नहीं दिखा पाई क्योंकि अंधेरे बहुत थे, तो मैं आपको अभी से दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू देखो, इतने सुंदर है, इतने सारे माउंटेन्स हैं, इतनी बर्फ है कि कोई यहाँ पे आराम से ना व्यू भी देख सके चाय लेकर, कितना मज़ा आएगा। बट मेरा आखिरी दिन था तो मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई, लेकिन व्यू बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही पीसफुल, इतना शांत है। और हाँ, मुझे जल्दी रेडी होना है क्योंकि हमें जल्दी निकलना है और एक लोकेशन में भी जाना है, वहाँ पे मंदिर है, तो हम वहाँ मंदिर जाएंगे, तो मैं आपको उसका थोड़ा वीडियो दिखा पाऊँगी। चलो मैं अभी से रेडी होती हूँ, आई एम रेडी टू गो। तो यहाँ मंदिर हम पहुँच गए हैं और मंदिर के साथ ना वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था रूल्स के हिसाब से, आई गेस, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दिया था। मेरा मकसद था मंदिर को देखूँ इतना कैसा है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इतना सुंदर, बाहर से कितना अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल था वो। तो बस मैं एक चीज़ प्रॉब्लम था कि मैं अंदर ना मंदिर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन्होंने ना पूरी तरह से कवर किया था, बस देख सकते हो, बट रिकॉर्ड करना तो बहुत ही मुश्किल था। बट हाँ, तो ये बाहर का जो मैं कर पाई वो मैंने दिखाया कि मुझे यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा लगा और मंदिर भी था, तो ये चीज़ थी। जहाँ यहाँ पे मंदिर है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हाँ, बाकी का व्यू तो देखो, व्यू तो हम कैसे स्किप करें, व्यू को तो बहुत ही सुंदर है माउंटेन एंड वॉल। और हाँ, बस हम जाने लगे थे तो हमने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते मैं और दीदी का। रिकॉर्ड करने के बाद हम चले गए रेस्टोरेंट, हमें बहुत भूख लगी हुई थी तो हम चले गए। तो सच बोलो गाइस, ये मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है, मतलब रेस्टोरेंट होटल जैसा भी समझो, बट मैं सच बोलूँ ना, ये मेरा सबसे नंबर वन है भाई, आई एम सीरियस, बिकॉज इसका एरिया इतना सुंदर है ना और इतना बड़ा है ना कि मैं खो गई थी, ट्रस्ट मी, यस मैं खो गई थी, इतना बड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, इतनी जगह ऊपर जाना है नीचे क्या, मतलब मैं और दीदी हम यही सोचे किधर जाना है। एंड या मैं तो बस रिकॉर्ड कर रही थी और मैं खुद ही भूल गई कि हमें कहाँ जाना था, बट पता चल गया था बाद में कहाँ जाना था। बट यार, लुक एट द व्यू, मतलब एरिया सुंदर है, मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट लगी, मतलब यहाँ पे इतनी सुंदर है ना एरिया कि मन कर यहाँ पे बैठूँ, शूट करूँ या वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट एरिया, आई लव इट। एंड या मैं आपके वीडियो निकाल रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो बस इंजॉय।
गाइस सच बोलूँ, मैं जब व्यू देख रही हूँ ना बाहर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फॉरेन में आई हूँ। यस सीरियसली गाइस, इसका व्यू और रेस्टोरेंट, मतलब मुझे इतनी अच्छी वाइब आ रही है ना कि आई कांट टेल यू, दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर आई हैव। तो गाइस खाना खाने के बाद हम बाहर चले गए एंड ट्रस्ट मी गाइस, बाहर का व्यू बहुत सही है, बहुत हवा चल रही है, मस्त है। एंड ऊपर से ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं फॉरेन में आई हूँ, मैं सच बोल रही हूँ गाइस, एकदम अच्छी वाइब आ रही थी। और हम यहाँ पे इसी आए हैं अब आपकी वीडियो बनाने के लिए, वन लव का जो वीडियो आज का ट्रेंड चल रहा है, तो हम बस यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहे थे एंड या कुछ फोटोज के बाद हमने कुछ किया नहीं, बस मैं तो वीडियो दिखा रही थी आसपास, मैंने खुद का वीडियो बनाया था तो मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई, बस ओके। बट हवा बारिश बहुत चल रही थी, एकदम मस्त वाइब आ रही थी। और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये जगह मुझे भी अच्छी लगी। बिकॉज राजस्थान या कुछ पुरानी चीज़ें एंशियंस वगैरह कह दो, मतलब वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड या उसके बाद हमने वन लव का वीडियो बनाया था, तो मैं अब वो भी दिखाती हूँ आपको। बस उसके बाद हम जा रहे हैं वापस अंबाला, तो यहाँ तक थी हमारी जर्नी। तो मुझे कमेंट में बताना आपको कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.